नवंबर दिसंबर के महीनों में भारत में तकरीबन 100 करोड़ नौजवानों की शादी में बलि चढ़ाई गई। दिल दहला देने वाली बात ये थी कि उन्हें भनक तक नहीं पड़ी कि उनके साथ ये कब और कैसे हुआ। 20 दिनों तक एक सिंगल जूते की लाश झूमर के नीचे पड़ी रही और अनगिनत घोड़ियां चढ़ी गई। पीयर प्रेशर वो गहरी खाई है जिसका ना ओर है ना छोर, तो बिना मतलब के इसमें गिव इन मत कीजिएगा। कोई अगर आपसे कहे कि शादी कर लो तो निडर रहिए और कहिए अपना काम कर ले प्लीज। यार सब शादी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे यहाँ पड़ोस में भी कोई शादी चल रही है। पता है मैंने सोशल मीडिया पे देखा, हमारे कुछ कॉलेज के दोस्त है ना, हमारे एज के लोग, उनकी भी शादी हो रही है इस उम्र में। ये सब देख के हमें बहुत गंदा फील हो रहा है। हमारी उम्र नहीं है ये सब करने, हमारी उम्र है वहाँ पे बस फ्री का खाना खाने की, गेट क्रैश करते शादी। ठूस क्या है, चल चल। मस्त चीज है ना बफे में। वाओ यार, आप लोग लड़के वालों की तरफ से या लड़की वाले? अरे हम लोग YouTube की तरफ से। YouTube की तरफ से आए हैं। प्लीज सब्सक्राइब पुलिस। ए रुको ए, चल पेपर दे जरा, मैट्रिमोनियल कॉलम पढ़ते हैं, देखते हैं आजकल क्या बकलोली चल रही है। न्यूज़पेपर तो नहीं आता मेरे घर, पर हाँ वड़ा पाव के साथ आया था एक, रुक लेके आता हूं। अभी कागज का टुकड़ा हमें बताएगा कि अरेंज मैरिज में लोग कैसे पार्टनर ढूंढते हैं और हम उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं कि नहीं। वांट गर्ल हु इज ब्यूटीफुल, एजुकेटेड एंड मस्ट नो हाउ टू कुक एटलीस्ट 15 टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। इसकी तो वैसे मैं भी खाना बनाने का ट्राई करके देखती हूँ, शादी वादी के लिए नहीं है, जस्ट इसीलिए क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे आज तक अपनी हैंडमेड रेसिपी का स्टोरी वगैरह नहीं डाला, थोड़ा फ्लेक्स करने का मेरे को। हैशटैग गौतमी मेक्स कोथिंबीर वड़ी। क्या कोथिंबीर वड़ी? भाई गोभी की सब्जी बना ले पहले। पील कैसे करते हैं? कचरा देखो गाइस, कचरा हर जगह, कचरा वो तू साफ कर लेना। फिर आलू गोभी नहीं, मम्मी से चप्पल मिलेगी खाने। एक आलू छिल गया है गाइस। वाओ गाइस, गोभी की सब्जी पूरे किचन में। यही है ना, गरम है यार। हां गरम है गाइस, ब्रेकिंग न्यूज, आग गरम है भाई। ये क्या शेजवान सॉस डाल दिए, क्या कलर आ रहा है आलू गोभी का, और ये सारे कचरे के बीच में खाना सर्व किया जा रहा है गाइस। हमें धनिया तो नहीं मिल रही है गाइस, पर गोभी के पत्ते लवली यार। मेरी फोटो ले इंस्टा पे डालने के लिए। चलो मैं टेस्ट टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। टेस्ट बहुत अच्छा, पर टेस्ट पता ही नहीं चल रहा क्योंकि नमक ही नहीं डाला मैंने। पूरे गोभी की क्रंच की आवाज आ रही है, इसके मुंह से सब इतना कच्चा है। बहुत अपमान हो रहा है, मैं डर रही हूं। उस दिन टीवी पे नेटफ्लिक्स लगाया, फिर मैंने हम आपके है कौन क्या देख ली, मुझे सारे शादी शहनाई वाले शोज के सजेशन आने लगे। बिग डे, इंडियन मैच मेकिंग, कभी खुशी कभी गम। ये हमारी जनरेशन की मूवीज नहीं है, बस किसी ने कहा था कि ये मोनिश बहल जैसा लगता है तो बस हम चेक कर रहे हैं। वैसे बुढ़ाओ लोग जिनकी शादी हो रही है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती होंगी अपने पार्टनर से। Wanted boy, भाई, who is handsome? Boys under 6 feet don't call. क्या judgmental लोग हैं भाई, मतलब important ये नहीं है कि मैं उसको खुश रख पाऊंगा कि नहीं, important ये है कि मैं पता नहीं ऊपर से सामान निकाल पाऊंगा, basketball में जीत पाऊंगा। भाई मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ यार, I'm great, I love myself, मुझे नहीं बदलना किसी और के लिए। चल अब सूर्यवंशी लगा, तेरे सजेशंस को थोड़ा सा एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। ऊपर से मैं बताऊँ, ये सारे रोम कॉम्स और ये शादी वाली मूवीज सब खुद देखता है और फिर नेटफ्लिक्स पे झूठा इल्जाम डालता है कि उन्होंने इसका सजेशन ये सब बिगाड़ा है। क्या बोल रही, कुछ भी। तुझे पता है ना नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तेरे होम स्क्रीन पे वही चीजें आती है जिस तरीके का कॉन्टेंट तूने पहले देखा है, तेरे टेस्ट के हिसाब से आते हैं सब सजेशन। ऐसा गंदा टेस्ट नहीं है मेरा। है नो मिसल टू वाली मूवीज यार, हमारे लिए तो बस मिसल पाव और आलू गोभी। क्या मस्त बनाई है मैंने। तूने। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक रिश्तेदारों से सतर्क रहें, स्वस्थ रहें
और सिंगल लाइफ में मस्त रहें।